वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। आज हम लोग बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। और ये क्लास उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी क्लास 11th में आए हैं या वो कॉमर्स को एज अ बैकग्राउंड ऑप्ट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें कि 4 इसके पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सेकंड है क्लासिफाइंग, थर्ड है समराइजिंग और फोर्थ है कम्युनिकेटिंग। ये 4 स्टेप है, इसके अलावा अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग को समझेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आमतौर पर हम लोग घर में अगर पॉकेट मनी लेते हैं अपने घर वालों से, सपोज करो एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, ये मिस्टर एक्स हैं, इनको 1000 रुपये पॉकेट मनी मिली और इनके फादर ने बोला भाई इस पॉकेट मनी का हिसाब मैं आपसे 1 हफ्ते के बाद लूँगा कि आपने ये कहाँ का खर्चा किया। तो मिस्टर एक्स ने 500 रुपये खर्च कर दिया अपने क्लॉथ्स में, 200 रुपये खर्चा कर दिया कहीं घूमने चला गया, भाई दोस्त यार होंगे इसके भी, 100 रुपये खर्चा कर दिया स्टेशनरी में। तो ये जो मिस्टर एक्स है इन्होंने अपने खर्चे का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना लिया किसी भी एक डायरी वगैरह में, तो उसी को हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं। आमतौर पर हमारी मम्मी अभी क्या करती हैं, जब घर पापा जी पिताजी पैसे देते हैं तो खर्चे का रिकॉर्ड बना लेते कि यहाँ यहाँ खर्चा हुआ। इसके बाद क्लासिफाइंग है। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है कि जो मिस्टर एक्स ने पैसा खर्चा किया, सपोज करो इसका मैं कॉमन हेड बना देता हूँ, मिस्टर एक्स का जितना भी क्लोथ्स का खर्चा होगा वो अंडर एक कॉमन हेड में डाला जाएगा। मिस्टर एक्स का स्टेशनरी का जितना भी खर्चा होगा वो इस हेड में डाला जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं क्लासिफाइंग को और अच्छे से अगर समझाऊँ तो स्कूल में आपने देखा होगा असेंबली के अंदर लाइनें लगती हैं जिसमें कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे लास्ट में 12th के स्टूडेंट्स लगते हैं। तो क्लासिफाई लाइन का मतलब है कि हम सेपरेटली अपने खर्चों को देख सके और सेपरेट कर सके किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर हम मिस्टर एक्स के अगर खर्चों को सेपरेट करें तो क्लोथ्स का एक हेड बन जाएगा, स्टेशनरी का एक हेड बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासीफाइंग। फिर उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग के शुरू के 3 लेटर अगर हम देखें तो इसका मतलब है सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। तो मिस्टर एक्स के क्लोथिंग का अगर हम लोग खर्चा देखें तो सपोज करो अगस्त में इन्होंने 500 रुपये अपने क्लोथ्स में खर्च करे, फिर सितंबर में 2 सितंबर को फिर से इन्होंने 600 रुपये खर्चा करा। तो इनके फादर इनसे जवाब मांगेंगे कि बताओ भाई तुमने क्लोथ्स में कितना खर्चा किया। तो इसमें अगर ये इसको जोड़ के दिखाते हैं कि भैया मेरा तो 1100 रुपीज़ खर्चा हुआ है, तो ये 1100 का मतलब है इन्होंने सम किया। इस सम का ही मतलब है समराइजिंग। अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, बिजनेस क्या करती है, इनकम वगैरह इन सबको सम कर लेती है और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कम्युनिकेट कर देती है टू द ओनर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं। चलो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग सीखते हैं। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, ओनर किसी भी बिजनेस में अगर मनी अपनी मनी इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की जेब में बहुत पैसे हैं, सपोज करो 2 करोड़ रुपये मिस्टर एक्स के पास है, भाई ज़मीन बेची है अपनी, फिर 2 करोड़ रुपये लेकर आए। अब ये चाहते हैं कि मैं हगीज़ का बिजनेस करूं, हगीज़ जाना माना ब्रांड, इसका बिजनेस करूं। तो इसका बिजनेस करने के लिए इनको ग्राउंड पे फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, जो अपने 2 करोड़ हैं इससे लैंड खरीदेंगे, लेबर खरीदेंगे और भी XYZ खर्चा करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मालिक के द्वारा लगाया हुआ पैसा ही कैपिटल कहलाता है। अब इसका ओनर मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स ने कुछ भी अमाउंट लगाया, सपोज करो मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए लगाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को, सपोज करते हैं ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि भैया बिजनेस खोलना है हम लोगों को, इनको नीड है, इनके पास खुद से पैसा नहीं, इनको नीड है 2 लाख रुपए की कि ये बड़ी कंपनी कोई खोलनी है इनको, जिनका नाम है Haggies.com। अभी 2 लाख रुपए अगर ये मिस्टर वाई से लेकर आते एज अ लोन, तो अब आप लोग बताओ कि कैपिटल किसकी होगी। बेसिकली कैपिटल मिस्टर एक्स की ही होगी। बिजनेस को कोई मतलब नहीं है कि मालिक कहीं से भी पैसा लेकर आए, चाहे वो खुद को बेच कर लाए, कहीं से भी पैसा लाए, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा वही कैपिटल कहलाएगी और वही ओनर कहलाएगा जो करेगा। सेकेंड वन है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है, ओनर जब बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए, उस टर्म को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। मतलब मिस्टर एक्स है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, भाई सेठ आदमी गले पे बैठा हुआ है, 2 लाख रुपए दिन की सेल है। अब घर से धर्मपत्नी का फोन आता है कि आते हुए गोलगप्पे ले आना 40 रुपए के। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, इस गले में से 40 रुपए ले लेगा कि शाम को गोलगप्पे लेके जाने। ये 40 रुपए शाम को वो अपनी वाइफ को, सपोज करिए ये वाइफ है उसकी, अभी 40 रुपए बिजनेस से लेकर गया और अपनी वाइफ को खुश कर दिया इसने गोलगप्पे खिला करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस कहता है भैया आपके अपने पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के अंदर ड्राइंग के नाम से ट्रीट किए जाएंगे। चाहे आप कोई भी खर्चा करो अपने निजी इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग में कंसिडर करेंगे। सो इज इट क्लियर, इजी था बहुत। तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लिया तो समझ लियो कि अकाउंट्स इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो थर्ड वन है एसेट्स। एसेट्स को अगर मैं बोलूँ सिंपल सी एक भाषा में, कि बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो इसको बोलते हैं हम लोग संपत्ति। अब सारी लड़ाई संपत्ति की आपको भी पता है। तो संपत्ति कितने प्रकार की होती है, तो पहले मैं इसके 2 डिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहला है करंट एसेट्स, सेकंड है नॉन करंट एसेट्स। कई बच्चे बीकॉम में भी आ जाते हैं, उनको इसका डिफरेंस नहीं पता होता कि भैया करंट और नॉन करंट में फर्क क्या होता है। तो सिर्फ 3 फर्क होता है। पहला है पर्पस, सेकंड है टाइम पीरियड, और थर्ड है लिक्विडिटी। अब पर्पस का मतलब क्या है, सबसे पहले ऐसी एसेट जिसको हम रीसेल के लिए लेकर आए, जिसको हम बेचने के लिए लेकर आए बिजनेस में, तो उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। बेचने के लिए लेकर आए, सर समझ नहीं आया। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आपने आपके आसपास एक राशन वाला होगा लाला, जिसका पेट मोटा होता है ऐसे। अब ये राशन वाला के यहाँ चावल का कट्टा आया 100 किलो का, 100 केजी का। अभी 100 किलो खुद तो खाएगा नहीं, भंडारे में तो देगा नहीं, तो ये क्या किस लिए लेकर आया, बेचने के लिए लेकर आया, जिससे कि इसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि बेचने के पर्पज से, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से बिजनेस में खरीदी जाती है, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। पहले समझ आ गया। सेकेंड पे चलते हैं, टाइम पीरियड। सर बेचना तो है, पर कितने टाइम के अंदर बेचना है, सर विदिन 1 ईयर के अंदर अंदर हमें इसको रीसेल, इसे सेल करना पड़ेगा। विदिन 1 ईयर क्यों करना पड़ेगा, आपको भी पता है अगर ये राशन वाला चावल रखेगा 1 साल तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Hyundai वगैरह इन सब की बात करूं, अगर ये अपनी गाड़ी 1 साल तक अपने शोरूम पे लगा के रखेंगे तो इनकी गाड़ी ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि हर बार नया मॉडल कोई चेंजेस हो जाते हैं। सो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले नॉन करंट एसेट समझा देता हूँ। तो सबसे पहला इसका जो पर्पस है वो है यूज। सिंपली हम इसको इस्तेमाल के लिए लेकर आते हैं, यूज करने के लिए लेकर आते हैं। सपोज करिए अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपके घर में कार होगी, पापा ने गाड़ी बेचने के लिए थोड़ी खरीदी थी, इस्तेमाल के लिए खरीदी थी। सेकेंड है आपके घर में फैन लग रहा होगा ऊपर छत पे, अब यही थोड़ी आपका जब मर्जी मन करेगा पंखा उतारा और बेच आए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये भी उसके लिए खरीदा है हम लोगों ने। फिर उसके बाद है टाइम पीरियड। सर नो टाइम पीरियड नीडेड, कोई टाइम पीरियड की नीड नहीं होती है। क्यों? मेरे यहाँ पंखा लग रहा है 8 साल से, खराब नहीं हो तो चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है। बस हाँ, 1 साल से ज़्यादा के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, आपकी फिक्स होनी चाहिए। नाम इसका नॉन करेंट है ना, इसको हम फिक्स एसेट भी जानते हैं। तो फिक्स का मतलब कि एक बार ला के रखती भैया, काम हो गया, फिर खराब होगी तभी दूसरी आएगी। फिर ये लिक्विडिटी क्या चीज़ है? लिक्विडिटी का मतलब है किसी भी चीज़ की ऐसी एबिलिटी कि उसको हम इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सके, मतलब पैसे में कन्वर्ट कर सकें। कैसे? अगर हम अपने गुड्स को देखें, इनको बेच के हम लोग कैश का पैसा कमा सकते हैं, मतलब उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ मैं अपनी कार को अगर सेल करूँ तो ये इंस्टेंटली कैश में चेंज नहीं होगी, क्योंकि कार डीलर आएगा, गाड़ी को देखेगा, फिर उसकी टेस्ट ड्राइव लेगा, उसमें टाइम लगेगा ना, तो इसलिए तो इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। तो इसकी लिक्विडिटी जो होती है वो लो होती है और इसकी लिक्विडिटी हायर होती है। तो बस 3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई। आपको कभी कंफ्यूजन हो कि कौन सी चीज़ करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, इन 3 क्राइटेरिया में डाल के देख लेना उस चीज़ को, आपको समझ आ जाएगा कि वो करंट है या नॉन करंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप एक लेवाइस के शोरूम में गए NSP में, पैसिफिक मॉल में, वहाँ आपने जाते ही देखा, आपको वहाँ सारे कपड़े दिख रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ दिखेंगे, उनकी अलग अलग ब्रांडिंग दिखेगी। तो जो उनके क्लोथ्स हैं वो क्या इन क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं? हाँ। पर्पज़ क्या है वो कपड़े रखने का? बेचने के लिए लेकर आए हैं। सेकेंड, टाइम पीरियड, 1 साल, जितना जल्दी हो उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। और तीसरा लिक्विडिटी, बेचेंगे, कस्टमर कैश देगा, कैश आ गया, लिक्विडिटी भी हाई है। फिर उसके बाद अगर उसी शोरूम में फर्नीचर लगा हुआ है, फैन है, एसी है, उसकी हम ये लोग यूज़ के लिए लेकर आए। और दूसरी बात, कोई टाइम पीरियड थोड़ी है कि एसी बदलना ही बदलना है 1 साल के अंदर, जब खत्म होगा, जब खराब होगा तभी तो बदलेंगे। और तीसरा लिक्विडिटी लो है, एसी उठा के बेच नहीं सकते ऐसे आसानी से, टाइम लगेगा भाई, चेक करेगा वो आके बंदा, इसलिए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। इसके बाद अगला चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। फोर्थ पॉइंट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, सिंपल सा बात है भैया, कर्जा। ये जीने नहीं देता किसी को भी, कर्जा किसी के सर पे हो तो टेंशन ही रहती है। तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहला है करंट लायबिलिटी। इसमें क्या पहचान होती है? लायबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया, कर्जा। तो पहले मैं कर्जा लिख लेता हूं। अब ऐसा कर्जा जो कि हमें 1 साल से पहले चुकाना हो, रीपे करना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कर्जा जो कि 1 साल से पहले चुकाना है, उसको रीपे करना है, तो उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। सर इसके एग्जांपल क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म लोन। मोबाइल वगैरह खरीदा हुआ आपने, आईफोन वगैरह, तो उसमें 6-7 महीने की किस्तें बनवा ली, वो होता है ना IDBI बैंक वगैरह, इन सबसे, बजाज फाइनेंस से। तो 6-7 महीने की किस्त बनवा ली। इसके अंदर क्या होगा कि आपको 1 साल से पहले अपनी लोन की जो EMI है वो पे करनी है। तो ऐसे छोटे कर्जे जो कि 1 साल से पहले चुकाने हैं, उसको हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं। सेम इसी का ही उल्टा, ऐसे कर्जे जो कि 1 साल के बाद तक चुकाने हैं, मतलब 1 साल के बाद चुकाने हैं, मतलब सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब कार लोन ले लिया, कार लोन मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल। देखो ना, मिनिमम 3 साल है, यहाँ क्राइटेरिया क्या कह रहा है? 1 साल से ज्यादा। होम लोन 20 साल तक चलते हैं, पुश्ते गंदी हो जाती है, तब तक होम लोन नहीं चुकते लोगों के। तो खैर, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये इसकी पहचान है। बहुत सिंपल है, ना समझ आए तो इस क्राइटेरिया में रख के देख लेना, 1 साल से पहले चुका रहे हैं, 1 साल के बाद चुका रहे हैं, हो गया। अब उसके बाद है एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? पहली बात तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। अभी खर्चे कितने तरह के होते हैं? पहला है प्रीपेड एक्सपेंस, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और भी एक्सपेंसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये वाले समझ लेते हैं। प्रीपेड में जैसा नाम है, प्री मतलब एडवांस, कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें एडवांस में देना पड़ता है। एडवांस में जैसे हम लोग रेंट देते, स्कूल की फीस देते, मोबाइल में रिचार्ज कराया होगा आपने, किसी ने आपको बोला होगा मेरे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कराइए तभी बात करेंगे। तो रिचार्ज, पहले रिचार्ज करो फिर बात करो ठीक है। फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो कि ड्यू हो चुके हैं बट नॉट पेड, अभी तक पे नहीं किए गए हैं। अरे ऐसे कौन से खर्चे? आपके घर में बिजली का बिल आता हो जिसके नीचे ड्यू डेट लिखी रहती है, ऐसे लिखा रहता है ड्यू डेट 2 अक्टूबर 2023। अब आपने इस दिन ये बिल नहीं भरा, फिर उसके बाद अगले महीने में वो जो आपका बिल है वो ऐड होके आ जाएगा और नीचे एक प्यारी सी लाइन लिखी होगी कि योर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस मंथ बिल एक्स अमाउंट आ जाएगा, उसमें लिखा हो। तो ऐसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये है कि ऐसे खर्चे जिनकी डेट तो आ गई है चुकाने की पर हमने दिए नहीं है, अभी हम मजे ले रहे हैं उन पैसों के। तो खैर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक और एग्जांपल से समझाता हूं अगर आपको इससे नहीं समझ आया तो। जैसे कि सपोज मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय है, उसकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये है, उसको हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। अब आज अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आज 3 सितंबर है, तो 2 दिन बीत गए, 3 तारीख आ गई आज। 3 तारीख तक भी मैंने उसकी सैलरी नहीं दी, पे करनी थी 1 को, अब तक नहीं दी। इसी को मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कंसीडर करूंगा। सो इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक्सपेंसेस की एक और कैटेगरी है जिसके अंदर हम डील करते हैं। एक होते डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए करे जाते हैं खर्चे। सर ऐसे कौन से खर्चे? अरे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कोई चीज़ माल बना रहे, पीछे अभी हगीज बना रहे तो उसके लिए फॉर्म वगैरह तो चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल खरीदने में कुछ खर्चा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर पावर, लाइटिंग, फैक्ट्री में ये सब के लिए खर्चा है एक्सेट्रा, तो इन सबको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, क्योंकि सीधा का सीधा ये पैसा कहाँ जा रहा है? माल बनने से रिलेटेड है। सेम वाइसा वर्सा उल्टा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये मैन्युफैक्चरिंग से डील नहीं करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी खर्चे होते, चाय पानी पीना, वैलेंटाइन पे गिफ्ट देना, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। जैसे कि रेंट ऑफ ऑफिस, सैलरीज एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। फिर है 6th एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी खर्चों में ही आते हैं, पर ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मैं अब बड़े लिख देता हूँ, अबे यार हिंदी मेरी खराब है, बड़े। 3 खर्चे होते हैं, तो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू। कैसे कैसे नाम है यार। तो ये कैपिटल वो वाला कैपिटल नहीं है जो स्टार्टिंग में कैपिटल किया था, ये अलग है, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे कि हम या तो अपनी एसेट्स बढ़ा लें, या तो संपत्ति खरीद लें, एक बिल्डिंग एक और ले ली, पैसों में खुजली हो रही जेब में, और बिल्डिंग ले लो, एक गाड़ी खड़ी एक और गाड़ी ले ली, या हम अपने पुराना जो कर्जा है वो चुका रहे, रीपे कर रहे हैं। लाइबिलिटी, एल फॉर लाइबिलिटी एंड ए फॉर एसेट्स, डोंट बी कन्फ्यूज। या तो हम लोग एसेट खरीद लें या लाइबिलिटी चुकाएं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लोन चल रहा था 10 लाख का, मेरे पास जमीन बिकी, मेरठ में जमीन है, 2 करोड़ रुपए आए, 10 लाख रुपए क्या चीज़ है, चुकाया यार। तो मैं जैसे ही चुका के आया, लाइबिलिटी मेरी गिर गई। तो ऐसे खर्चे जो कि या तो आपकी एसेट बढ़ा दे या लाइबिलिटी डिक्रीज कर दे, इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनके करने से हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट इंक्रीज हो, पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज हो का मतलब है, पहला मेरे यहाँ सपोज करिए 4 कंप्यूटर है, अब ये चार कंप्यूटर है, मतलब अगर चार बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे एक टाइम पे, अगर 1000 रुपये फीस है तो 4000 रुपये हो गए। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार कंप्यूटर को 8 कर देते हैं, तो मैंने पैसा लगाया, कहीं से लाया था मांग के, 8 कर दिया। अब 8 करने के बाद अब मेरी उसी एक घंटे की इनकम 8000 रुपये पर मंथ है। तो मतलब मेरे खर्चा करने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सो ईजी। फिर उसके बाद आता डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपने फैना की ऐड देखी होगी, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ये कुछ उसी से लिया गया है। मतलब आज खर्चा करो कल तक मुनाफा पाओ, मतलब आज अगर आपने एडवर्टीजमेंट में अच्छा खासा खर्चा कर दिया, सपोज करो अभी पीछे हगीज की वो मिस्टर एक्स बना रहे थे ना, तो उन्होंने ऐसी एडवर्टीजमेंट कर दी कि हगीज कभी लीक ही नहीं होगी तो इसके बाद लोगों को बहुत पसंद आई। फिर अगर ये ऐड बंद भी कर देंगे तो उनका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करता रहेगा, क्योंकि लोगों के माइंड में उनकी एक माइंड ब्रांड बन गई कि हाँ ये मिस्टर एक्स की भैया हगीज बहुत बढ़िया है, बच्चे पहनते तो खुश हो जाते हैं, मज़ा ही आ जाता है। तो खैर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो गया, इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, कि अगर हमने स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा अच्छा लगा दिया, उसके बाद अगर हम ऐड बंद भी कर देंगे तो फिर फ्यूचर में प्रॉफिट हमें होगा ही। आपने BMW, Audi इन सबकी ऐड अब कम देखी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये बने थे तो उन्होंने काफ़ी ऐड पर एडवर्टीजमेंट खर्चा किया था, तो इसके बाद आज इनकी ब्रांड रिकॉग्निशन है, लोग देखते लोगों देखते सिंबल देख के पहचान लेते कि ये BMW या Audi है। एक मेन टॉपिक और रह रहा है जिसमें कि हम लोग अब पढ़ेंगे सेल और परचेज। देखो जो मेन है अकाउंटिंग को समझने के लिए वो तो कर लिए हम लोगों ने, उसके बाद ये कुछ एक टॉपिक और है जो कि कंपल्सरी है पढ़ना। तो सबसे पहले है सेल। सेल दो तरह की हो सकती है, या तो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है उधार। उधार मतलब जब कहीं दुकानदार पे गए, माल खरीद लिया, मुंह बना के दिखा रहे हैं कि अंकल पैसे भूल गए घर पे, तो उसका मतलब है उधार, उनके मन में है कि उधार सामान लाना है, आज पैसे नहीं देके आने। तो क्रेडिट सेल हमने कर ली। सपोज करो मेरे यहाँ कोई बच्चा पढ़ने आया, उसने बोला सर कुछ दिक्कत है, अगले महीने पैसे दे दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैंने उसको क्रेडिट सर्विसेज अपनी सेल करी है, मतलब पैसा नहीं लिया, अभी लूँगा पर अभी नहीं लिया। तो जब मैंने उस व्यक्ति से, ये है मिस्टर एक्स, यार ये एक्स बार बार आ रहा है, इसको मिस्टर वाई कर देते हैं, ये ठीक है, मिस्टर वाई को मैंने अपना सामान बेचा और पैसा नहीं लिया, तो अब ये मेरा बन गया रिश्तेदार। अब रिश्तेदार का कोई नाम तो होना चाहिए, तो इसको हम अकाउंटिंग की टर्म में सन्ड्री डेटर की उपाधि देंगे कि ऐसा लीचड़ इंसान जिसने अभी हमें पैसा नहीं चुकाया है। ठीक है, आगे चलते। परचेज भी दो तरह की, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज के अंदर क्या होता है, इसमें भी जब हम खरीदने जा रहे हैं माल, अब हम पे बात आ गई है, माल खरीदने गए और पैसा दे आए, बहुत पैसा है अपने पास, दे आए, काम खत्म, बस खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट, पैसे नहीं लेकर गए, वही शक्ल दिखानी है वहाँ जाके कि अंकल पैसे भूल गए घर पे, अब हमारे ऊपर आ गई बात। तो सपोज करो ये मिस्टर राहुल है, मिस्टर राहुल कई सामान खरीदने गए, पैसे नहीं लेकर गए, उधार लेने की इच्छा है कि उधार लाना सामान खरीद के, अब पैसा तो दिया नहीं, तो इस मिस्टर राहुल जिससे ये सामान खरीदेंगे, सपोज करो ये मोहन है, मोहन अंकल के पास सामान खरीदने गए, मोहन है ये, तो मोहन को ये अब रिश्ते में क्या बोलेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको मैं इजी बनाता हूँ। सबसे पहले दोबारा देख, सेल का मतलब है बेचना, और बेचते किसको है हम लोग, कस्टमर को। तो जिसको हम उधार सामान बेचे ऐसे कस्टमर को अकाउंटिंग टर्म में सन्ड्री डेटर बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिससे पैसा हमें लेना है मतलब मैं ले लेता हूँ, जिससे पैसे लेने। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, परचेज का मतलब है खरीदना, और खरीदते किससे हम लोग, सप्लायर से। तो सप्लायर को ही दूसरी टर्म में हम लोग अकाउंटिंग टर्म में सन्ड्री क्रेडिटर बोल देते हैं। ठीक है, एक और सरल एग्जांपल दूं, आप लोगों के घर में फूफा जी आते होंगे, उनको हमेशा हमें पैसे ही देने विदा वगैरह में, तो वो हमारे होते बिजनेस के सन्ड्री क्रेडिटर। अब आपकी शादी होगी, आप अपने ससुराल जाएंगे, वहाँ से विदा मिलेगी, लेकिन वो लोग होंगे सन्डी डेटर, क्योंकि उनसे हमेशा जब भी हम जाएंगे विदा में पैसे मिलेंगे। तो खैर सन्डी डेटर समझ आ गया होगा आप लोगों को। 2-3 टॉपिक और है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।